हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी टीजीटी पीजीटी म्यूजिक की नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चंस हमने किए हैं, जो हमने लास्ट ईयर क्वेश्चन किए थे उसके आगे के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन, कर्नाटक में षटश्रुति ध हिंदुस्तानी में क्या कहलाता है? कर्नाटक संगीत का जो षटश्रुति ध है वो हिंदुस्तानी में कोमलनी के नाम से जाना जाता है। ये सभी स्वर आप कर लीजिए, कौन सा स्वर किस उसमें जाना जाता है। डैश में तानसेन अकबर के महल आए, 1556 में जो तानसेन थे वो अकबर के यहाँ पर आए। पहले ये राजा रामचंद्र जी के यहाँ पर थे, रीवा के राजा थे, लेकिन बाद में रीवा के राजा ने इन्हें अकबर जी को भेंट किया। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म कहाँ पर हुआ? इनका जो जन्म हुआ वो कुरंदवाड़ रियासत के बेलगांव नामक ग्राम में हुआ। कुरंदवाड़, तो ये कुरंदवाड़ इसका सही आंसर होगा, सी इसका सही आंसर है। मैं आपको सभी क्वेश्चंस कराती रहूँगी समय समय पर, ये आगे पीछे शायद हो रही है इनकी डिजिट क्वेश्चंस की, लेकिन सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आप सभी क्वेश्चंस ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए। मैं चाहती हूँ कि आपके साथ साथ और भी जो म्यूज़िक के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका फ़ायदा उठाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक रचना जो विशिष्ट स्वरों से बनी हो और विशेष राग और ताल में बंधी हो, तो वो क्या कहलाती है? ना ही राग अलाप होगा, लक्षण गीत भी नहीं होगा, लावणी भी नहीं होगा, तो वो सरगम कहलाती है, सरगम गीत कहलाती है। जिन स्वरों का उच्चारण अपने सामान्य स्थान से ऊंचा होता है उन्हें क्या कहते हैं? इनमें जो उदात्त स्वर हैं वो ऊंचे स्वर होते हैं और अनुदात जो होते हैं वो नीचे स्वर होते हैं, तो इसका आंसर उदात्त है। नेक्स्ट, तानपुरे में मुख्यतः कितने तार होते हैं? तानपुरे में मुख्यतः चार तार होते हैं। दाएं और बाएं तबले के बीच में पाए जाने वाले काले रंग के पदार्थ को क्या कहते हैं? आपको सभी पता है कि दोनों तबलों के बीच में जो काले रंग का पदार्थ होता है उसे शाई कहते हैं, उसे शाई के नाम से जाना जाता है। उसके बराबर में जो भाग होता है शाई के वो लव या मैदान कहलाता है, और उसके सबसे पहले जो भाग होता है उसे चाटी कहते हैं। तो तीन भाग होते हैं तबले के, सबसे पहले चाटी किनारे वाला, फिर बीच वाला लव या मैदान, और फिर शाइन। तो इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लाइक कर दीजिए। राग मालकोश में वर्जित स्वर क्या है? वर्जित स्वर राग मालकोश में ऋषभ और पंचम होते हैं, तो इसकी जाति ओड़व कहलाती है। नेक्स्ट, निसा रेगा मग मग रेगा रेसा, मग मग माँ इसमें शुद्ध भी दिया हुआ है, तीव्र भी दिया हुआ है, तो आप मुझे ये पहचान के राग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कौन सा राग है, ठीक है। और रागों से संबंधित क्वेश्चन आप रागों का परिचय बार बार पढ़िए, क्योंकि रागों से संबंधित क्वेश्चन गायन वालों और वादन वालों दोनों के में ही बनते हैं। नेक्स्ट, तीखे रीधा कोमल गामिनी आरोहित रीधाहीन सामावद संवादी वादी ते, कौन सा राग पूछ रहा है? चिन्ह, तो इनमें से ये कौन सा राग है? रागचंद्रिका सार के अनुसार आपकी रागों की नॉलेज कितनी है जानने के लिए आप मुझे इसका भी कमेंट बॉक्स में ही आंसर देंगे। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से है? ये बनारस घराने से बिलोंग करती हैं और वहाँ की फेमस गायिका थी, अब इनका देहांत हो गया है, और इन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता था। नेक्स्ट, स्वामी हरिदास जी की जो मृत्यु किस आयु में हुई? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, इनकी जो मृत्यु हुई है वो 95 वर्ष की आयु में हुई है। इनका सन नहीं पूछा जाता है, इनका बस यही पूछा जाता है कि कितने साल में इनकी मृत्यु हुई। पंडित वी डी पलुस्कर जी का देहांत कब हुआ? यानी कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का देहांत कब हुआ? इनका देहांत 21 अगस्त 1931 को हुआ। देखो कितना कन्फ्यूजन करके दिया हुआ है, 22 भी दिया हुआ है, 23 भी, 24 भी, तो आपको बिल्कुल जो भी जीवन परिचय याद करें जैसे विष्णु दिगंबर पलुस्कर और भातखंडे जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का बिल्कुल तरीके से आप जीवन परिचय याद करेंगे। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर किन के पुत्र थे? इनके इनके पिता का नाम था श्री गौरीशंकर ठाकुर, तो सी इसका सही आंसर है। वृद्धदेशी मतंग द्वारा लिखा गया, तो ये सी इसका आंसर सही है। हारमोनियम किसकी देन है? अलेक्जेंडर डीबन ने हारमोनियम की उत्पत्ति की सन 1840 में, तो आप याद रखेंगे कि हारमोनियम जो बनाया वो किसने बनाया? अलेक्जेंडर डीबन ने सन 1840 में, कई बार सन भी पूछ लिया जाता है। भजन इन चारों में से किसी एक ताल में नहीं गाया जाता, भजन जो अधिकतर गाया जाता है वो चंचल प्रकृति वाली तालों में गाया जाता है, जैसे कहरपा ताल, रूपक ताल, धुमाली ताल, दाद्र ताल, तो ये झूमरा में नहीं गाया जाता, झूमरा में ख्याल गाया जाता है।
अध्वदर्शक स्वर किसे कहते हैं? अध्वदर्शक स्वर मध्यम को कहते हैं, तो डी आंसर इसका सही होगा। चाटी और गोटे के बीच का स्थान क्या कहलाता है? ये तबले से संबंधित क्वेश्चन है, तो वादन वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इसका आंसर मुझे दें कमेंट बॉक्स में कि चाटी और गोटे के बीच का स्थान क्या कहलाता है। तानसेन का मूल नाम क्या था, यानी कि तानसेन से पहले उनका जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था? वो था तन्ना मिश्र। इन चारों में से कौन स्वामी हरिदास के परम शिष्यों में से नहीं है? स्वामी हरिदास जी के परम शिष्य तो एक तो हैं तानसेन जी, बैजू बावरा जी, दिवाकर पंडित भी हैं, गोपाल लाल भी हैं, रामनाथ नहीं है, रामनाथ की जगह है रामदास, ठीक है, और दिवाकर सोरसेन भी है, राजा सोरसेन, तो इस तरह से बहुत इनके वो रहे हैं शिष्य। इन सभी शिष्यों की श्रेणी आप याद कर लेंगे। तंबूरे की लकड़ी, लंबी लकड़ी जहाँ का जो भाग तुम्ब से जुड़ा रहता है वह भाग कौन सा कहलाता है? जो लंबी लकड़ी रहती है वो डांट कहलाती है, तो ये सी इसका सही आंसर होगा। किसी ब्राह स्रोत प्रभाव से ध्वनि का स्वयं कंपित होना क्या कहलाता है? वो अनुनाद कहलाता है। जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, सितार होता है, उसमें नीचे तरप के तार लगा दिए जाते हैं तो वो अनुनाद कहलाते हैं। जो जब ऊपर के वो तार बजने लगते हैं, सात तार, तो ये नीचे वाले तार, तरप के तार खुद अनुनाद होने लगते हैं, खुद कंपित होने लगते हैं ब्राह स्रोत से, तो ये अनुनाद कहलाता है। हिंदुस्तानी में शुद्धमा कर्नाटक में क्या कहलाता है? हिंदुस्तानी का जो शुद्धमा है वो कर्नाटक में भी शुद्धमा के नाम से ही जाना जाता है, और तीव्रमा कर्नाटक में प्रतिमा के नाम से जाना जाता है। इन चारों में से तानसेन की कौन सी संतान नहीं है? तानसेन की जो संतान नहीं है वो रंगसेन नहीं है। इनके जो पुत्र थे सरतसेन भी थे, सूरतसेन भी थे, बिलासखा भी थे। नेक्स्ट, राग का मुख्य चलन किन स्थानों में होता है? इनका मुख्य चलन मध्य सप्तक में अधिक होता है। वह ख्याल जो धीमी गति में गाया जाता है वह बड़ा ख्याल कहलाता है या विलंबित ख्याल कहलाता है? धमार गायन सामान्यतः का वर्णन नहीं होता है। धमार गायन में सामान्यतः किन चीज़ों का वर्णन करता है, ठीक है, तो इसमें धमार में अधिकतर होली का वर्णन होता है। आपको क्वेश्चन ये जरूर देख लेना है कि इसमें नहीं करके पूछा है या ये पूछा है कि होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। ज़्यादातर ठुमरी इन चार रागों में से एक में नहीं गाई जाती। ठुमरी जो गाई जाती है वो काफ़ी में भी गाई जाती है, झिंझोटी में भी गाई जाती है, बरवा में भी। जो नहीं गाई जाती वो ललित राग में ठुमरी नहीं गाई जाती। ललित राग का ये भी ध्यान रखिए आप कि ललित राग का कई बार पूछा जाता है कि किस राग में क्रम से दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है। ललित राग ऐसा है जिसमें क्रम से दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो कई रागों में दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ललित में क्रम से किया जाता है। राग केदार का संवादी स्वर क्या है? राग केदार का संवादी स्वर सा है और इसका वादी स्वर मा है, तो ये याद रखेंगे। धमार गीतों में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? ये वापस रिपीट हो गया है क्वेश्चन, वही चीज़ है लेकिन क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है। धमार में अधिकतर होली के बारे में ही बताया जाता है, ब्रज की होली के बारे में ही वर्णन होता है। राग भोपाली के वादी और संवादी है। राग भोपाली के वादी गा है और संवादी धा है। ये अधिकतर क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें गा और धा इसके वादी और संवादी होते हैं। इन चारों में से ध्रुपद शैली गायन में उल्लिखित नहीं है। ध्रुपद गायन शैली की चार वाणियां हैं, उनमें से निहार नहीं है, वो नोहार होती है, तो इसका सही आंसर है डी। कौन सा घराना ठुमरी शैली गायन के लिए प्रसिद्ध है? ठुमरी कहाँ पर अधिक गाई जाती है? एक तो पहले मैंने अभी बताया गिरिजा देवी बनारस घराने से थी और ठुमरी की गायिका थी, और सेकंड आपका लखनऊ, तो लखनऊ और बनारस में ठुमरी का अधिक प्रचलन है। नेक्स्ट करेंगे जय जय जय, ये पूछा गया है कि उक्त बंदिश किस लयकारी में लिखी गई है। ये जो लयकारी लिखी गई है आप देख रहे हैं इसमें अवग्रह लग रहा है हर जगह, तो यह अवग्रह किसकी चीज़ को दर्शा रहा है? ये आड़ को दर्शा रहा है, तो यह बंदिश आड़ में लिखी गई है, आड़ लयकारी में लिखी गई है। किसी ताल में वह जिससे गायन वादन या ताल का ठेका शुरू होता है, गायन वादन जहाँ से ताल शुरू होती है या गायन शुरू होता है वो चीज़ ताल में क्या कहलाती है? सम कहलाती है, सबको पता है। यदि एक राग में आरोह के छह स्वर और अवरोह में सात स्वर हैं तो उसकी जाति क्या है? उसकी जाति छह स्वर में शाड़व और सात स्वर में संपूर्ण कहलाती है। इन चारों में से तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन चारों में से कौन सा निबद्ध गान का एक प्रकार नहीं है? निबद्ध गान में जो श्रेणी आती है वो प्राचीन में प्रबंध वस्तु रूपक ये चीज आती है, जिसमें डी धातु ये नहीं आती। निबद्ध और अनिबद्ध गान
बहुत इम्पोर्टेंट है, निबद्ध गान जो ताल में बंधा हुआ है और अनिबद्ध गान जो ताल में बंधा हुआ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ती ती ना धी ना धी ना ती ती, ये कौन सी ताल की लय है? तो इसमें दिख ही रहा है कि ये ताल को रूपक ताल को दिखाया गया है इसमें, तो ये तिगुण लय है इसकी, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि एक राग में आरोह दोनों में सात स्वर हैं लेकिन नियमित क्रम में ना हो तो वो राग की जाति क्या कहलाती है? जब सातों स्वरों का प्रयोग होता है और स्वरों का क्रम सीधा ना होकर आगे पीछे हो तो वो क्या कहलाती है? वृक हो जाता है। वृक का मतलब टेढ़ा, तो ये इसकी जाति वृक संपूर्ण कहलाएगी। इन चारों में से कौन अकबर के जमाने का संगीतकार नहीं था? अकबर के जमाने में जो संगीतकार थे वो तानसेन भी थे, रामदास जी भी थे, बैजू बावरा भी थे, जो नहीं थे वो थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिजली के दरबार में थे। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया? रामचरितमानस सभी को पता है तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया, यह एक हमारा ग्रंथ है। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे वेद कितने होते हैं या पुराण कितने होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है क्योंकि संगीत हमारे वैदिक काल से ही जुड़ता चला आ रहा है। नेक्स्ट, स्वर पद ताल और मार्ग से बना गीत क्या कहलाता है? स्वर पद ताल और मार्ग से बना गीत आक्षिप्तिका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इन चारों में से कौन सा उल्लेखित ठाठों में से एक नहीं है? जो हमारे 10 ठाठ हैं उनमें से एक, इनमें से कौन सा नहीं है, वह है मल्हार। ठीक है, मल्हार कोई ठाठ नहीं होता, मल्हार अंग होता है, जो तीसरा अंग हमारे उसमें अंग होता है। सारे मापा धानी धापा धामा प ग रेसा, यह कौन सा राग है? इसमें देखेंगे आप ध नी और गा, ग धनी स्वर कोमल लग रहे हैं, तो गाधनी स्वर कौन से राग में कोमल लगते हैं आप मुझे बता के, ये पहचान के इस राग को आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। राग भोपाली का गायन समय है, गायन समय इसका रात्रि का प्रथम पहर होता है। नेक्स्ट, राग बिहाग किस ठाट में आता है? राग बिहाग जो आता है वो बिलावल ठाट से बिलोंग करता है और कुछ विद्वान इसे कल्याण ठाट के अंतर्गत भी मानते हैं, तो ये क्वेश्चन फॉल्स में जा सकता है। वह स्वर जो उसकी मूल स्थिति से ऊपर जाने पर विकृत हो जाता है वह स्वर होता है मध्यम। मध्यम अपने स्वर होने पर, ऊंचा होने पर वह तीव्र हो जाता है, तो वह विकृत स्वर हो जाता है। रागवादी काफी के वादी और संवादी हैं पा और सा, कुछ विद्वान पा और रे भी मानते हैं। राग यमन का ठाट क्या है? ठाट है कल्याण ठाट, बी इसका सही आंसर है। गामा पानी सा गगरे सा नीधा पामा मापा गामा गा राग, ये कौन सा राग है? इसमें दोनों मध्यम का प्रयोग किया जा रहा है, गामा गा की संगति भी आ रही है, तो यह बिहाग राग है। तीखे गानी कोमल रिकधा वादी धैवत्सा संवादी गंधार है, कौन सा राग विराज? तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि यह कौन सा राग है, पहचानेंगे इसके वादी और संवादी के अकॉर्डिंग, और इसमें जो पूछा गया है कि कौन सा स्वर वर्जित है वो कौन सा तीव्र है, इसके अकॉर्डिंग आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहते।